चाइल्डहुड ओबेसिटी इज ए इमर्जिंग प्रॉब्लम नाउडेज। मैं डॉक्टर चेसल शेठ आपसे फोर्टिस हॉस्पिटल मुंबई से बात कर रही हूँ। बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से यंग एज में बच्चे ओबेस बन जाते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स जहाँ पे घर में सब लोग ओबेस है, उसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फूड हैबिट्स, अनहेल्दी डाइट खाना, बहुत सारा जंक फूड, शुगरी जूसेस या कोल्ड ड्रिंक्स लेना, उसके बाद में बिग स्क्रीन टाइम, लॉन्ग स्टडी आवर्स, लैक ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, नो स्पोर्ट्स इन द लाइफ, ये बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से आजकल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ओबेस देखे जाते हैं। लेकिन ये ओबेसिटी की वजह से बच्चों को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। ये बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ होना, हाइपरटेंशन, द हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़, ये सब होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है और यंग एज पे ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके उपरांत बच्चे एडोलेसेंट एज में बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करते हैं, जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ इमेज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सोशल आइसोलेशन एंड बुलिंग। पेरेंट्स अपने ओबेस बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहला है डाइट रेगुलेशन। बच्चों को खाना नहीं है ये नहीं बोल सकते हैं, बट जो डाइट का कंटेंट है वो चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा फाइबर्स, हेल्दी डाइट, इम्प्रूवमेंट इन प्रोटीन इंटेक, लेस अमाउंट ऑफ द शुगर्स, स्मॉल पोर्शन ऑफ द मिल्स या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप डाइटिशियन, पीडियाट्रिशियन का एडवाइस भी ले सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में एंगेज कीजिए। और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद रोल मॉडल बनके प्रभावित कर सकते हैं।